उन 6 लोग में से एक आदमी का पैर फिसला और उनके साथ ही साथ परिवार के 5 लोग भी उस झरने की रफ्तार की तेज लहरों में बह गए। वह परिवार अपने आप को एक साथ इकट्ठे होकर पकड़े थे। रेस्क्यू टीम ने उन लोगों को 2 दिन तक ढूंढा भूशी डैम के झरने में और 5 लोगों की बॉडी उसी झरने में मिली, वो भी डेड बॉडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हम जानते हैं लोनावला भूशी डैम के दर्दनाक हादसे की पूरी सच्चाई। लोनावला भूशी डैम दर्दनाक हादसा, ये तो आप लोगों ने देखा या सुना होगा। परिवार के 5 लोग भूशी डैम के झरने में बह गए। आइए जानते हैं इनकी पूरी सच्चाई। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली शाहीन परवीन परिवार के 17 लोग के साथ महाराष्ट्र के फेमस हिल स्टेशन लोनावला में पहुंची। अक्सर लोग भारी संख्या में अपने परिवार और फ्रेंड के साथ बारिश के मौसम का लुत्फ उठाने आते हैं। ऐसे ही पुणे के रहने वाले शाहीन परवीन अपने परिवार के साथ बारिश के मौसम का लुत्फ उठाने भूशी डैम के झरने में पहुंची। भूशी डैम के पीछे वाले झरने में टोटल 9 लोग बारिश के मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। उसमें 2 औरत, 2 आदमी, 3 लड़की और 2 मासूम बच्चे, 4 साल का अदनान अंसारी और 13 साल की लड़की। अचानक मौसम बिगड़ने के कारण भूशी डैम का पानी ओवरफ्लो होने लगा। पानी की तेज लहरें आने लगी। वह परिवार अपने आप को एक साथ इकट्ठे होकर पकड़े थे। सेकेंड बाद पानी तेज रफ्तार से बढ़ने लगा और जोर जोर से लहरें आने लगी। अचानक से एक औरत अपने 4 साल के लड़के अदनान अंसारी और एक लड़की के साथ उस झरने की रफ्तार लहरों में बह गई। अभी के 6 लोग उसी परिवार के अपने आप को एक साथ इकट्ठे होकर पकड़ के रखे थे। वह 6 लोग उस झरने से अपने आप को बचाने की गुंजाइश करते रह गए, बचाओ बचाओ। उन मासूम बच्चे बोलते रह गए, पापा हमें बचा लो, पापा हमें बचा लो। वहाँ उनके परिवार के कुछ लोग और वहाँ के कुछ रहने वाले उनकी मदद करने की कोशिश करते रह गए। बाद उन 6 लोग में से एक आदमी का पैर फिसला और उनके साथ ही साथ परिवार के 5 लोग भी उस झरने की रफ्तार की तेज लहरों में बह गए। रेस्क्यू टीम ने उन लोगों को 2 दिन तक ढूंढा भूशी डैम के झरने में और 5 लोगों की बॉडी उसी झरने में मिली, वो भी डेड बॉडी। पोलीस
ठीक है ना? ऐसी खतरनाक जगहों पे जाने से सावधान रहे और बारिश के मौसम में झरनों से दूर रहे, क्योंकि बारिश के मौसम में कब कौन सा सैलाब आ जाए या आपके परिवार को इस तरह डुबा ले जाए तो सतर्क रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और उन मासूम बच्चों की वो परिवारों की दुआ कीजिए, दुआ की मगफिरत कीजिए और उन्हें जन्नत नसीब हो। आप लोग भी बचिए।